फाइनली वीडियो स्टार्ट हॉस्टल वार्डन सेकंड क्लास प्रैक्टिस सेट टू 50 एमसीक्यू एनालिसिस इज रिवाइज एंड वीडियो इज लास्ट सी सी अगेन स्टार्ट कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट टू आवर यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर प्रैक्टिस सेट टू कंप्यूटर हॉस्टल वार्डन अगेन वीडियो इज वॉचिंग सो आई हैव ज्वाइन अप मेंबरशिप बेनिफिट इज मेंबरशिप फॉर फर्स्ट चेक सेकेंड इमेज थर्ड PDF फॉर डाउट जो भी आपको क्लियर करना है मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा साथ ही यहाँ पर आपको मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस टू सेकंड क्लास सो यूर परफॉर्मिंग इज बेस्ट क्लास यूर कंटिन्यू इज स्टार्ट नाउ प्रैक्टिस सेट क्लास कंटिन्यू इज अलेवल बेनिफिट प्रैक्टिस रिवाइज क्लासेस कंप्यूटर इज क्लास नाउ आवर देन सो आई होप यू की विल बी क्लास नाउ स्टार्ट सो अगेन यूर बेस्ट परफॉर्मेंस यूर बेस्ट क्लास हाउ इज इज पॉसिबल इज पॉसिबल तो स्टार्ट करते हैं यहां पर कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट सेकंड क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 50 MCQ GK क्वेश्चन सामान्य ज्ञान कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सो फाइनली स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन साइबर लैब एम DOS का फुल फॉर्म क्या है साइबर लो में पूछा गया है कि DOS डिवाइस अगर ऐसे ही शुद्धतम रूप में पूछता डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता लेकिन यहाँ पर साइबर लॉ पूछा गया है तो यहाँ पर आएगा डिनाइल ऑफ सर्विस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कई बच्चे यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे होंगे कि सर ये कैसे होगा करके तो आप सभी को मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर पूछा गया साइबर लॉ अगर साइबर लॉ नहीं दिया रहता और DOS का फुल फॉर्म पूछता तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लिक करते जबकि यहाँ पर साइबर लॉ दिया गया है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस होगा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के निर्देशों यानी कि कंप्यूटर कमांड को क्रियान्वित एग्जिस्ट कौन करता है तो आपका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ये दोनों ही हैं जो कंबाइनेड है जो मिलकर आपका कंप्यूटर के निर्देश को कंप्यूटर कमांड को क्रियान्वित एग्जिस्ट करता है ऑप्शन ए और बी दोनों ही होगा बोथ ऑफ ए बी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा टारगेट है आज का 100+ लाइक ठीक है जितने भी बच्चे नए हैं जाइएगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा 100+ लाइक आना अनिवार्य है नेक्स्ट है जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना बट आप लोग ध्यान रखना जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है स्टार्ट प्रैक्टिस सेट सेकंड क्लास तीसरा क्वेश्चन पैकमैन एग्जाम में कभी भी सुना होगा पैकमैन यानी कि नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था तो आपका खेल के लिए किसके लिए खेल के लिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर के लिए काम में बना था टोटल 50 MCQ क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ चाहे आप वीडियो में एक बार याद नहीं होता रिवाइज नहीं हो पाता वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी के जनरेशन से संबंधित रहते हैं जनरेशन का मतलब होता है उनके परिवार से संबंधित रखते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका फोर्थ पीढ़ी यानी कि चतुर्थ पीढ़ी आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा मतलब मेरे कहने का मतलब है आप लोग जिनको मालूम है आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान वह मेमोरी यूनिट जो CPU अब देखिए CPU पूछा गया है तो डायरेक्ट आप दिमाग ना लगाइएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि यहाँ पर सीधा संपर्क करता है मेमोरी से तो आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होगा ऑक्सिलरी मेमोरी ठीक है
अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली यानी कि एब्यूस मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैम। याद रखना, स्पैम आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का उपयोग यानी कि वेब पेज को देखने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि वेब पेज को देखने के लिए आपका ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? ब्राउजर। आंसर सी होगा। इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसका होगा आंसर टेल कन्फर्मेशन। आंसर बी। हाल ही में मिटाए गए फाइल, रिसेंटली डिलीट फाइल में जो स्टोर होते हैं उसको रिसाइकल बिन कहा जाता है। एक कागजी प्रति यानी कि हार्ड कॉपी में बनता है ऑल ऑफ, मतलब लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक, प्लाटर, ये सभी एक कागजी प्रति हार्ड कॉपी बनाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर होगा, ड्रम प्रिंटर होगा। आप सभी को पिछले वीडियो में मैं आप सभी को कंटिन्यू क्लासेस किया जिसमें हॉस्टल वार्डन में पूरा इनपुट आउटपुट प्रिंटर वगैरह से जितने भी क्वेश्चन कराएं जाके रट डालिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको हॉस्टल वार्डन की संपूर्ण क्लासेस मिल जाएंगी। पेरीफेरल उपकरण यानी कि पेरीफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है आपका प्रिंटर। क्या आएगा? प्रिंटर इसका आंसर होगा। एक हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि होता क्या है? तो डिजिटल और एनालॉग दोनों एक जैसे लगते हैं, बोथ ऑफ डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि मेरे कहने का मतलब है एक हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो डिजिटल भी होगा और एनालॉग भी होगा, ये दोनों का जो कंबाइंड मिश्रण है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट CPU, अब CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। सीधा भाषा हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ सकते हैं मशीनी लैंग्वेज से। अच्छी गुणवत्ता का मतलब होता है बेस्ट क्वालिटी का जो ग्राफिक होता है यानी कि चित्रलेख होता है वो उत्पन्न होता है प्लाटर से। प्लाटर, और प्लाटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लाटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर किससे संबंधित होता है? तो जितने भी ये सभी हैं आपके व्यापम, PSC, SSC और बैंकिंग में सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर से संबंधित होता है। जो प्रिंटर है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। हमने कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोग को आंसर मालूम होगा, जाके कम्युनिटी में जाके आंसर दे सकते हैं। मेंबरशिप की भी क्लास कराई जा रही है, ये तो आप सभी के लिए यूट्यूब पर तो बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जाता है, बट आपके लिए मेंबरशिप की जो क्लास है उसमें बेनिफिट मिलेगा, चैट, डाउट क्लियर, PDF, इमेज, ग्राफिक्स वहाँ पर मिलना है। ठीक, यूट्यूब पर भी बेनिफिट रहेगा, बिल्कुल फ्री है। MS Excel चार्ट बनाने में कौन सा विकल्प यानी कि ऑप्शन सही है? तो इसके लिए होगा आंसर इंसर्ट चार्ट। क्या होगा? इंसर्ट चार्ट बी। लॉजिकल अनुक्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस को अनुक्रम कहता है। डाटा व्यवस्थित अरेंजिंग करना आपका सॉर्टिंग सेटिंग कहलाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब फुल फॉर्म होता है GUI का फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लोड एम कंप्यूटर बूट होने का पहला प्रोग्राम कौन सा है? तो इसका प्रमाणीकरण। ठीक, MS PowerPoint में आपका अधिकतम जो जूम प्रतिशत होता है, जूम का मतलब होता है, जूम का मतलब होता है बड़ा सा इमेज यानी कि 400 मेगापिक्सल। बाहरी आक्रमण यानी कि आउटसाइड अटैक नेटवर्क बचाने का तरीका आपका क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम लैंग्वेज कौन से? लैंग्वेज मतलब भाषा। ये जो वीडियो चल रही है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसका फोटान आपका 2019 में ये रिपीट हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर नेम इज इने, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक से अधिक कंप्यूटर जोड़कर यानी कि डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर, उसको क्या कहा जाता है? हु इज, क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग, डेटाबेस, इंटरनेट, प्रोसेस। इसका आंसर नेटवर्किंग होगा। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर अवेयरनेस जी के क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? आपको प्रोटेस्टेड डेटा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेस्ट डेटा को कहा जाता है। हमारा वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन कब से आई? 1960 के दशक में, ठीक है। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? तो उनको इनपुट कहा जाता है। इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही सॉफ्टवेयर और सिस्टम से क्लास हम कल कराएंगे। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा आपका जो इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना डेटा कहलाता है। क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा, आंसर बी। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर यानी कि परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो आपका होगा सुपर कंप्यूटर, आंसर होगा। आधुनिक कंप्यूटर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर की खोज कब की गई? तो ये आप सभी को मालूम होगा 1946 यानी कि 1946। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? एबेक्स का आविष्कार आपका चीन में हुआ है, ना कि अमेरिका में, ओके। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस विकास ने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार J.S. केल्बी ने किया है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, CPU को फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। RAM किस प्रकार की मेमोरी है? तो RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी या अद्वितीय मेमोरी भी कहा जाता है। CPU के लिए सामान्य गणित यानी कि मैथमेटिक के लिए कैलकुलेशन करता है ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो एग्जाम में कंप्यूटर में फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, याद रखना A5 और A7, ठीक है। तो A5 स्लाइड शो के लिए, A5 स्पेलिंग चेक के लिए। ये जो दोनों टॉपिक मैं आपको बताया हूँ रट लेंगे, है ना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्लाइड शो, स्पेलिंग चेक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए? जो कोबोल है आपका व्यावसायिक कार्य के लिए होता है। किसने बेसिक कंप्यूटर को लैंग्वेज को विकास किया है? तो जॉन जी कैनी। पास्कल क्या है? तो पास्कल एक भाषा है, भाषा को लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट है, किस प्रोग्राम का चित्र यानी कि इमेज को प्रदर्शन किया जाता है फ्लो चार्ट से? फ्लो चार्ट, याद रखना, स्वयं या कभी भी चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट यानी कि चित्र प्रदर्शन कहलाता है। कौन सबसे कॉमन का स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे कॉमन में आपका मैग्नेटिक होगा जो कि आपका स्पेरेज डिवाइस होगा। कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? तो माउस है जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस ड्रॉ कहलाएगा, जो कि एक आउटपुट और इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है या कि ऑप्टिकल डिवाइस कहलाता है। बारकोड कितने अक्षर के होते हैं? तो बारकोड आपका 10 अक्षर के होते हैं, जिसे हर बार
या हेडर फुटर भी कहा जाता है। हेडर फुटर में हमेशा बारकोड ही उपयोग होता है छपने के लिए। 10.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो आप सभी को मालूम होगा कि बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। कंप्यूटर में कभी कभी बाइनरी नंबर से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका 11001 होगा। 25 का 11001 होगा। कैसे निकाला जाता है, कभी भी हम एक वीडियो उसके लिए बना देंगे। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो डिजिटल कैमरा में आपका फोटो डायोड प्रयोग होता है, ना कि प्रकाशीय पेन बैकबुक। आंसर भी होगा, कम से कम देख लिया तो कर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 क्वेश्चन, रिक्वेस्ट डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस किस नाम से जाना जाता है? रैंडम एक्सेस के नाम से जाना जाता है। कम से कम अगर आप आंसर देते हो ना, तो आप क्वेश्चन को एक बार रिपीट पढ़ लिया करो, फिर आप लोग प्रैक्टिस किया करो, है ना। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल। 48 क्वेश्चन, सबसे यहाँ पर तेज कौन होता है? तो सबसे यहाँ पर तेज होता है आपका रजिस्टर। मैं पटवारी का क्वेश्चन टॉप 100 MCQ लेकर आया था, जो कि विगत वर्षों से क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में कई बार रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, हॉस्टल वार्डन का सभी क्वेश्चन मिलती जुलती रहता है। तो अब देखेंगे 49 क्वेश्चन, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्क टॉप उसी लोकेशन को तैयार करते हैं, शॉर्टकट आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट आइकन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15, हमने 50 MCQ कर लिए हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप क्या हमारे साथ डेली रिवाइज करना चाहते हैं, तो वीडियो को 100 लाइक आना अनिवार्य है, ठीक है। अगर तुम लोगों का परफॉर्मेंस, यानी कि यूअर इज परफॉर्मेंस बेस्ट क्लास, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है मुझे, हम पार्ट 3 वीडियो यानी कि सेकंड थर्ड क्लास लेकर आएंगे। तो इसका आएगा यूनिस, जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा 50 का, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका इंतजार करिएगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में मैं इसका आंसर बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक्स क्योरिस नहीं है, यानी कि एक्स क्योरिस स्योरिस जो नहीं है आपका पैंट, वर्ल्ड पैट, नोट पैट या MS ऑफिस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 51 का क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आप सभी को यह हमारा क्लास परफॉर्मेंस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डेली अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।